तो दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं एशियन पेंट्स की सबसे सस्ती इमल्सन रेंज के बारे में। पिछली वीडियो आपने देखा कि सबसे सस्ती इमल्सन रेंज जो आती है एशियन पेंट्स की वो इकोनॉमी इमल्सन्स में आती हैं, यानी कि इकोनॉमी रेंज में आते हैं। तो इकोनॉमी रेंज का जो सबसे सस्ता पेंट है इमल्सन कैटेगरी में, उस पेंट का नाम है ट्रैक्टर स्पार्क। तो आज हम ट्रैक्टर स्पार्क के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से यह जानेंगे कि ट्रैक्टर स्पार्क हमें क्यों लगाना चाहिए, ये किन सरफेसों पर लगाया जाता है, ऐसे कौन से स्थान हैं जहां इनका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, इसकी फिनिशिंग क्या है, इसकी कवरेज क्या है, उसके बाद इसकी प्राइस कॉस्ट क्या है, इसका इनिशियल ड्राइंग टाइम क्या है, इसका रिकोटिंग टाइम क्या है, इसको लगाने का सही तरीका क्या है, और सबसे बड़ी बात इसके अंदर हमें जो शेड्स मिलते हैं वो कितने मिलते हैं। तो इन्हीं सभी टॉपिक्स पे हम विस्तारपूर्वक चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूँगा कि आप वीडियो में पूरा बने रहें। यदि आप वीडियो में पूरा बने रहेंगे तभी वह समझ पाएंगे जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप जो मेरी वीडियोज़ पे प्यार और सम्मान मुझे दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, ठीक है। ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, ठीक है, और जानकारी लेते रहिए। यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा। तो इधर उधर की बातें ना करते हुए अपनी विस्तार पूर्वक चर्चा की तरफ बढ़ते हुए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल भिकाजी टॉक वॉक में। मैं आपका भाई आपका दोस्त अजीत सिंह एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय के साथ। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं आज हमारी जो चर्चा का विषय है वो है ट्रैक्टर स्पार्क। ट्रैक्टर स्पार्क दोस्तों एक इमल्सन पेंट की कैटेगरी में आता है। यदि मैं इसकी आपको इंट्रोडक्शन बताऊं तो ये एशियन पेंट द्वारा एक सबसे सस्ता इमल्सन पेंट है जो हमारे इंडोर सरफेस के लिए बनाया गया हुआ है, ठीक है दोस्तों। यदि हम इसकी प्रॉपर प्रोडक्ट क्वालिटी की बात करें तो ना तो ये इमल्सन है और ना ही डिस्टेंपर है, ये आधा इमल्सन है और आधा डिस्टेंपर है। मैं आपको बताना चाहूँगा डिस्टेंपर एक अलग प्रोडक्ट होता है जो चूना बेस होता है, और इमल्सन एक अलग प्रोडक्ट होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं, प्लास्टिक पेंट कंपाउंड जो होते हैं, यानी कि बेसिकली जो इमल्सन्स होते हैं ना, जो प्लास्टिक पेंट होते हैं वो इमल्सन बेस होते हैं, यानी कि एक केमिकल टाइटेनियम डाईऑक्साइड की इसमें मात्रा ज़्यादा होती है। इन्हीं में कुछ एडहेसिव कंपाउंड मिला के, कुछ एडहेसिव एजेंट मिला के इनको इमल्सन्स बनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ समझ गए आप कि डिस्टेंपर चूना बेस होता है और इमल्सन प्लास्टिक कंपाउंड बेस होते हैं, कुछ केमिकल होते हैं इमल्सन्स, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहली बात ये ना तो संपूर्ण रूप से इमल्सन है और ना ही संपूर्ण रूप से डिस्टेंपर है। आपने इसकी एड देखी होगी टीवी पे, तो वहाँ पर हमें यह सुनने को मिलता है कि डिस्टेंपर के दाम में इमल्सन का काम, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब ये डिस्टेंपर के दाम में इमल्सन का काम कैसे है, यदि हम इसकी प्राइस कॉस्टिंग की बात करें तो डिस्टेंपर हमें मिलता है 70 से 80 रुपए केजी, और यहीं इसकी कॉस्टिंग की बात करें प्लास्टिक पेंट की जो ट्रैक्टर स्पार्क है, ये आज की डेट में हमें 160 से 170 रुपए लीटर मिनिमम मार्केट में देखने को मिलता है। तो अब आप ये कहेंगे कि डिस्टेंपर के दाम में इमल्सन का काम कैसे हो सकता है दोस्तों। यदि हम केवल डिस्टेंपर की बात करें, मैंने आपको बताया कि जो ट्रैक्टर स्पार्क है उसमें मात्रा आधी डिस्टेंपर की है और आधी मात्रा इसमें इमल्सन्स की है, ये संपूर्ण रूप से ना तो इमल्सन है और ना ही डिस्टेंपर है, ठीक है। तो यदि हम इसकी कवरेज की बात करें, सबसे पहले कवरेज की बात करते हैं। मैं आपको इस टॉपिक को समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं जो हमें ऐड देखने को मिलती है कि डिस्टेंपर के दाम में इमल्सन का काम, ठीक है। तो उसका रीजन ये है, यदि हम डिस्टेंपर की कवरिंग की बात करें तो डिस्टेंपर आपको एक केजी में कम से कम 60 से 70 स्क्वायर फीट ही कवर करके देता है, वहीं डबल कोट की मैं बात कर रहा हूँ, वहीं आपको यह इमल्सन जिसमें आधा मात्रा डिस्टेंपर की है आपको करीब करीब 120 स्क्वायर फीट, 110-120 यदि ज़्यादा डाइल्यूट करते हैं, 100% डाइल्यूट करते हैं, तो ये आदर्श रेशो में इसको डाइल्यूट करते हैं तो अभी आपको 80 से 100 स्क्वायर फीट की कवरिंग ये एक लीटर में निकाल के देता है, ठीक है। अब वह हमें पड़ रहा है 80-90 रुपये केजी डिस्टेंपर, और ये पड़ता है हमें 160-170 रुपये लीटर, ठीक है। अब इसकी कवरेज पे यदि हम डिवाइड करेंगे तो थोड़ा बहुत ही ये कॉस्टली पड़ता है, उस कॉस्ट की इग्नोर यदि हम करें तो हमें फिनिशिंग उससे अच्छी मिल जाती है डिस्टेंपर से, ठीक है। तो यहाँ समझ गए आप। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी पैकिंग साइज की। सबसे पहले पैकिंग साइज की हम बात करते हैं। मार्केट में यह प्रोडक्ट हमें 1 लीटर, 4 लीटर, 10 लीटर और 15 लीटर
और एक पैकिंग 20 लीटर, ये 15 लीटर की पैकिंग में भी हमें मिलता है। कुछ इसके डार्क शेड कंपनी ने बताए हुए हैं, लेकिन हालांकि मैंने अभी देखे नहीं है, ना मुझे किसी मुझसे किसी कस्टमर ने मांगे, ना ही मैंने अभी कंपनी में 15 kg की पैकिंग का ऑर्डर लगाया है, लेकिन कंपनी कहती है कि 15 kg में भी आता है। जनरली एक किलो, 1 लीटर, 4 लीटर, 10 लीटर और 20 लीटर की पैकिंग तो मार्केट में इजीली मिल जाती है, लेकिन कंपनी कहती है कि स्पार्क के अंदर 15 लीटर की पैकिंग भी आती है। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी वॉशेबिलिटी की। क्योंकि ये बहुत सस्ता इमल्सन है तो इसमें प्लास्टिक जो कंपाउंड्स हैं उनकी मात्रा बहुत कम है, आपको इसमें वॉशेबिलिटी अच्छी देखने को नहीं मिलेगी। यदि आपकी दीवार पे कोई जंगी दाग लग जाएगा तो वो अच्छे से संपूर्ण रूप से साफ नहीं होगा, लेकिन कोई छोटे मोटे दाग या डस्ट पार्टिकल लग जाते हैं उससे दीवार गंदी हो जाती है, तो आप उसको किसी गीले स्पंज से, गीले कपड़े से साफ कर सकते हैं। तो ये होगी दोस्तों वॉशेबिलिटी की बात। यहाँ पे आप समझते हैं कि ये 100% वॉशेबल नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी फिनिशिंग की बात। डिस्टेंपर से थोड़ी सी अच्छी फिनिशिंग इसमें देखने को मिलती है, लेकिन फिनिशिंग आपको मैट ही मिलेगी और सरफेस का रफ ही मिलेगा, स्मूथ सरफेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके सरफेस भी मैट होगा और इसकी स्मूथनेस भी मैट होगी। अब अगली बात आती है दोस्तों इसकी कलर शेड जो अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर, जो कंपनी ने कलर शेड अवेलेबल इसके कराए हैं, वह करीब 800-850 के आसपास आपको शेड्स में देखने को मिलेंगे। इसमें आपको डार्क शेड देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। अब अगली जो चर्चा आती है वो आती है इसकी, यदि हम इसका इनिशियल टाइम की बात करें, ड्राइंग टाइम की, दीवार पर जब इसको अप्लाई करते हैं तो कितने समय के बाद हम इसको दोबारा हाथ से टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, कहीं ऐसा प्रोकेशन, हम सावधानियां ये बरतते हैं कि पेंट कराने के बाद हमारे कपड़े ख़राब ना हो। कभी हमने अभी दीवार पेंट नहीं कराई है, कपड़ा लग जाए, हाथ गंदे हो जाए, ठीक है, कई चीज़ ऐसी होती हैं कि हाथ टच करने से ख़राब हो जाए। तो उसका इनिशियल टाइम 30 मिनट है ड्राइंग टाइम इसका दीवार पर लगाने के बाद। आप 30 मिनट के बाद दीवार को टच कर सकते हैं, आपका कपड़ा दीवार से लग जाए, गंदा नहीं हो सकता। लेकिन रिकोटिंग का जो समय है वो 4 से 6 घंटे बाद ही आपने रिकोट करना है। उसका रीजन ये है, यदि आप उससे पहले रिकोट करा देते हैं तो आपका पेंट जो आपने बेस कोट किया है, पहला कोट किया है, वो अच्छे से सूखता नहीं है और ना सूखने के कारण पेंट आपका जल्दी ख़राब होता है। अब बात करते हैं इसकी ड्यूरेबिलिटी की। पेंट होने के बाद हमें दीवार पे कितने समय तक एक अच्छी फिनिशिंग देखने को मिलेगी, एक अच्छी साफ सफाई देखने को मिलेंगी, कब तक ये इसको गंदा नहीं होगा ये, ठीक है दोस्तों। तो वह कंपनी 2 साल इसका प्रोवाइड कराती है, 2 साल तक कहती है कि इसकी ड्यूरेबल लाइफ है, ठीक है, दो साल तक ड्यूरेबल है, 2 साल तक चलेगा दीवार के ऊपर। उसके बाद इसका कलर शेड फेड कुछ ऐसा इसमें दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं, बाकी थोड़ा बहुत एंटी फंगल तो ये है ही, ठीक है। तो कलर शेड भी हम जान गए, अब रिकोटिंग का समय भी हम जान गए, अब इसकी हम पैकिंग साइज भी जान गए। हमें लगता है कि जो कम इस प्रोडक्ट की अपनी प्रॉपर्टी है उसके बारे में हम जान चुके हैं, लेकिन एक प्रॉपर्टी ऐसी है जो एशियन पेंट्स के या किसी और कंपनी के पेंट के, जितने भी हमारे भारतवर्ष में कंपनी पेंट में डील कर रही हैं, उन्हीं सभी कंपनियों के पेंट में एक चीज़ कॉमन देखने को मिलती है, खासकर इंडोर पेंट, जो इनिशियल इंडोर पेंट होते हैं, हमारे घरेलू पेंट होते हैं उनमें, वो है लो VOC कंपाउंड्स का इस्तेमाल। जी हाँ दोस्तों, इन सभी पेंटों में हमें लो VOC कंपाउंड कंटेंट देखने को मिलते हैं। लो VOC का मतलब ना कि बराबर वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि ऐसे कंपाउंड जो हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ वाष्पशील उत्सर्जन यौगिक उत्पन्न करके हमारे ह्यूमन बॉडी को, हमारे कुछ ऐसे भाई बंधु जो किसी सांस की बीमारी से ग्रस्त हैं, या कुछ ऐसे भाई बंधु जो किसी एलर्जिक हैं, किसी केमिकल से उनको एलर्जी होती है, उनको नुकसान पहुंचाते हैं, तो ऐसे केमिकल का इस्तेमाल इसमें ना के बराबर हुआ है। जैसे कि लेड, क्रोमियम, जस्ता, इस टाइप के केमिकल जो बॉडी को हार्म करते हैं, उसमें से कुछ वाष्पशील उत्सर्जन निकलते हैं, भाप टाइप का एटमॉस्फेयर में फैल जाता है, जो गंद बॉडी को नुकसान पहुंचाती है, उस टाइप का केमिकल वो होते हैं, वो इसमें इस्तेमाल नहीं होते हैं। अब बात आती है दोस्तों इसकी जो लगाने के तरीके की। जैसा कि आप जानते हैं ये थोड़ा सस्ता पेंट है, ठीक है, और इसको हम यदि हम लगाने की बात करें तो इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। जो बेस बाकी पेंटों के लिए बनते हैं वही बेस इस पेंट के लिए बनता है। अब किसी भी पेंट के नीचे
भले ही वो इकोनॉमी रेंज का हो, प्रीमियम रेंज का हो, रॉयल रेंज का हो, मेरा आपसे यह निवेदन है कि उसके नीचे आप प्राइमर जरूर लगाएं। यदि आप फ्रेश कोटिंग कर रहे हैं तो उसका पहले लगाने का तरीका है, सबसे पहले आप अपने सरफेस को डस्ट करेंगे, साफ करेंगे अच्छे से, उसके बाद उसके ऊपर पुट्टी करेंगे, पुट्टी करने के बाद उसकी मरम्मत देखेंगे कहीं कोई क्रैक डेवलप तो नहीं हुआ है या कहीं कुछ रह तो नहीं गया है, उसका जो अपना इनिशियल ड्राइंग टाइम है उसके बाद उसके ऊपर आप दूसरा कोट करेंगे, और दूसरा कोट का भी अपना एक सूखने का टाइम होता है। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि किसी भी पेंट के लिए बेस तैयार कैसे करें, प्लास्टिक पेंट को दीवार पर अप्लाई करने का क्या सही तरीका है, उसके ऊपर पूरा विस्तारपूर्वक वीडियो बना हुआ है दोस्तों, आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका दूसरा कोट भी लग गया। दूसरा कोट लगाने के बाद आप डस्टिंग करें अच्छे से, अच्छे जो आपको डब्बे के ऊपर हिंड्रेंस लिखा होता है उस हिंड्रेंस को आप पढ़ें, लगाने के तरीके को आप पढ़ें, उसमें कौन सा रेगमाल आपको कंपनी रेकमेंड करती है उस ग्रिड के रेगमाल से आप अपनी पुट्टी को घिसके साफ करें। ठीक है, उसके बाद प्राइमर लगाएं। प्राइमर का जो अपना इनिशियल टाइम होता है सूखने का वो 4 से 6 घंटा होता है, उसको पानी वाले वाटर बेस्ड प्राइमर की मैं बात कर रहा हूँ, ऑयल बेस्ड प्राइमर का इनिशियल जो सूखने का ड्राइंग टाइम होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन इकोनॉमी रेंज का पेंट है तो सीधी सी बात है वाटर बेस हमारा चल जाएगा। उसको लगाने के बाद उसको जब सूख जाता है 4 से 6 घंटे बाद, फिर आप अपने 2 कोट या 3 कोट जो भी लगाना चाहें अपने मनपसंद शेड के साथ वो लगा सकते हैं। अब एक अहम पॉइंट और है दोस्तों, एक अहम बात ये है कि ये इकोनॉमी रेंज के पेंट हम किस जगह इस्तेमाल करें। दोस्तों सबसे पहली बात, यदि हम अपने घर को 2 साल में या हर साल दिवाली पे या किसी स्पेशल त्यौहार पे हम पेंट कराते हैं और हमें ज़्यादा कॉस्टली पेंट नहीं लगाना है, तो आप यह पेंट बड़े शौक से लगा सकते हैं, बहुत अच्छा पेंट है उस चीज़ के लिए, क्योंकि आपने 1-2 साल बाद पेंट कराना ही कराना है, कलर चेंज कराना हो या घर को रीपेंट कराना हो तो आप इस पेंट के साथ जा सकते हैं। दूसरा, हमारी दुकानों में, हमारे गोडाउंस में या हमारे वर्किंग स्पेस में, हमारी फैक्ट्री में जो वर्किंग स्पेस होते हैं वहाँ पर, ठीक है, कुछ ऐसे स्पेस होते हैं जिनको हम जैसे कि कमर्शियल प्रॉपर्टी हैं उन पर, या हमारे कुछ ऐसी हमारे पास प्रॉपर्टीज होती हैं जिनमें हम अपना ज़्यादा इस्तेमाल जिनको नहीं करते हैं, वेयर हाउस या गोडाउन टाइप के, या घर से बाहर एक छोटा मोटा स्टोरेज अपना होता है, वहाँ पर हम इनडोर में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आप अपने घर में इसको इस्तेमाल करें तो वो भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा पेंट है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि भाई सस्ता है तो ख़राब होगा, लेकिन डिस्टेंपर से अच्छा है। यदि आप डिस्टेंपर करना चाहते हैं तो डिस्टेंपर की जगह आप चाहते हैं कि प्लास्टिक पेंट करें कम बजट में, तो आप इस पेंट के साथ जा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थी इसकी विस्तारपूर्वक चर्चा, और इस चर्चा में मैं जो आपको बताना चाह रहा था समझता हूँ बता पाया हूँ, और ये भी मैं आशा करता हूँ कि आप वो समझ पाए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ, बेहतर और अच्छी जानकारी के साथ। ठीक है दोस्तों, बाकी यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, आपको उनसे कुछ जानकारी मिल रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, पसंद ना आए तो डिसलाइक करें। कोई आपकी कोई ऐसी क्वेरी रह गई हो जो मैं आपको नहीं समझा पाया हूँ, नहीं बता पाया हूँ, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उस पर प्रतिक्रिया देने की कोशिश करूँगा, जल्द से जल्द आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ओके दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।